कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती विमला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद्र छाबड़ा, पुत्री एवं दामाद आशा अमृति जी बड़जात्या किशनगढ़, पुत्र एवं पुत्र वधु मुकेश ईशा, धर्मचंद्र चित्रा, वीरेंद्र ज्योति, मोनू सारिका एवं समस्त छाबड़ा परिवार रानोली वाले सीकर राजस्थान। जय जिनेंद्र। दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य गणनी श्रमणी गुरुमा अर्क रत्न श्री 105 विभाषरी माताजी ससंग के पावन सानिध्य में 24 दिसंबर 2023 से 3 जनवरी 2024 तक सीकर से शाश्वत तीर्थराज श्री सम्य शिखर जी महावंदना 2023-2024 का आयोजन किया गया। भूगर्भ से प्राप्त रहवासा वाले बाबा श्री 1008 सुमतिनाथ भगवान की अनुकंपा व सकल दिगंबर जैन समाज सीकर की पावन प्रेरणा से जैजिनेन ग्रुप सीकर के तत्वावधान में नौवीं बार लगभग 317 श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से तीर्थंकर की वंदना कर अपना जीवन धन्य किया। इस 11 दिवसीय महावंदना में जैजिनेन ग्रुप द्वारा श्रद्धालुओं के लिए रेल, बस, भोजन की व्यवस्था के साथ साथ ठहरने की भी समुचित व्यवस्था की गयी। तो आइए दर्शकों, बिना देरी की अवलोकन करते हैं इस महावंदना के अनुपम दृश्यों का। भूगर्भ से प्राप्त रहवासा वाले बाबा श्री 1008 सुमतिनाथ भगवान की अनुकंपा व सकल दिगंबर जैन समाज सीकर की पावन प्रेरणा से 24 दिसंबर 2023 से 3 जनवरी 2024 तक सीकर से शाश्वत तीर्थराज श्री सम्य शिखर जी महावंदना 2023-2024 का आयोजन किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य गणनी श्रमणी गुरुमा अर्क रत्न श्री 105 विभाषरी माताजी ससंग के पावन सानिध्य में जैजिनेन्द्र ग्रुप सीकर द्वारा नौवीं बार लगभग 317 श्रद्धालुओं को सामूहिक तीर्थ वंदना कराई गई। इस भव्य आयोजन के प्रथम दिन यानी 24 दिसंबर 2023 को सीकर से शिखरजी तक की महायात्रा का शुभारंभ पूर्व विधायक श्री रतन लाल जी जलधारी एवं समाज के गणमान्य जनों द्वारा लगभग 317 तीर्थ यात्रियों के समूह को सीकर रेलवे स्टेशन पर शुभकामनाएं देकर शाश्वत तीर्थराज श्री सम्य शिखर जी के लिए रवाना करने के साथ हुआ। ये यात्रा सबसे कठिन यात्रा है, उसमें लोग बाग जाना चाहते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। आज से 20-30 साल पहले तो कोई साधन नहीं थे जाने के लिए, अब तो बहुत साधन हो गए हैं। इसी तरह से आपके जैन समाज के अंदर जो ये यात्राएं जो अभी आप लोगों ने चालू कर रखी है और अब सम्य शिखर जी के ऊपर जा रही है, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना प्रकट करता हूँ और उनकी यात्रा सफल हो इसके लिए मेरी तरफ से मंगल कामना करता हूँ। हमारे जैन समाज में सर्वोच्च अगर पुस्तुक है तो वो तीर्थराज श्री सम्य शिखर जी है और हम उस क्षेत्र में जा रहे हैं, ये हमारे लिए गौरवान्वित विषय है। पूर्व विधायक श्रीमान रतन जी जलधारी है जो हमारे हृदय स्थल में विराजमान है, इनकी मुखारविंद हमें सुनने को मिला। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस यात्रा के प्रबल पुण्यार्जक हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब अमोह जी से भी, जो प्रधान भाषा और समाज सेवी है। साथ ही अभिनंदन मैं करना चाहूंगा श्रीमान प्रदीप जी काला साहब लालास वाले। शिखर जी तक की यात्रा के दौरान अगले दिन यानी 26 दिसंबर को प्रातः बेला में सभी श्रद्धालु गया जी पहुँचे, जहाँ से उन्होंने तीर्थ क्षेत्र राजगिरी जी तक की यात्रा की। राजगिरी जी पहुंचने के बाद सभी श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ देव दर्शन कर प्रभु की पूजा अर्चना की। संध्या बेला में श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु की मंगल दीपों से आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस दौरान श्रद्धालु प्रभु भक्ति में लीन हो गए। दीवा,
यात्रा के चौथे दिन यानी 27 दिसंबर को सभी भक्तों ने पंच पहाड़ की वंदना की। तो वहीं संध्या में सामूहिक आरती करने के साथ ही रात्रि में भक्तामर विधान की मांगलिक क्रियाएं की। तीर्थ यात्रा के दूसरे चरण अर्थात 28 दिसंबर को तीर्थ यात्रियों के समूह ने 24वीं तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्मस्थल कुंडलपुर जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसके बाद संध्या काल में सभी भक्तों ने पावापुरी जी पहुंचकर प्रभु की मंगल दीपों से आरती कर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। रंग यहाँ बनते हैं भगवान, मन चल सम्मित शिखर श्रीधाम, वहाँ श्री चंद्र प्रभु भगवान, मन चल सम्मित। शांति धारा करने के बाद श्रद्धालुओं ने गुड़ावा जैन मंदिर पहुंचकर प्रभु के दर्शन वंदन किए। प्रभु दर्शन के पश्चात श्रावक श्राविकाएं गुड़ावा से मलयपुर जैन मंदिर एवं रास्ते के अन्य जैन मंदिरों के दर्शन करते हुए रात्रि में चंपापुर जी पहुंचे। प्रातः बेला में जिनेन्द्र भक्तों ने श्री जी के शीश पर प्रासुक जल के मंगल कलश ढुरा कर अभिषेक किया, तो वहीं पुण्य प्रतापी भक्तों ने प्रभु की शांति धारा कर मंगल कामना की। तदुपरांत श्रद्धालुगण भागलपुर जैन मंदिर के दर्शन कर मंदारगिरी जी पर्वत की वंदना करने के लिए पहुँचे, जहाँ सभी ने भक्तिभाव के साथ पर्वत वंदना की। पर्वत वंदना करने के उपरांत भक्तों ने संध्या में बोसी जैन मंदिर एवं देवघर जैन मंदिर के दर्शन किए। तो वहीं रात्रि में सभी श्रद्धालु तीर्थराज श्री सम्मी शिखर जी पहुंचे। नववर्ष के पूर्व दिवस यानी 31 दिसंबर 2023 को जिनेन्द्र भक्तों ने श्री सम्मी शिखर जी के पास स्थित पालगंज सहित सभी जैन मंदिरों के दर्शन किए। मंदिरों के
दर्शन करने के बाद स्वागत श्राविका उन्हें परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य आरिका विभाश्री माता जी को नमन वंदन कर उनका मंगलाशीष प्राप्त किया। तो वहीं संध्या बेला में भक्तों ने सामूहिक आरती एवं नमोकार महामंत्र का पाठ किया। चाहते हैं कि आपका हैट्रिक तो मैं नहीं कह सकता कि तीसरा जो चातुर्माश है वो सिंगर स्टेट समाज को मिले, इसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं। फुलगनी सुरमा 105 विभाश्री माता जी की अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी तीर्थराज श्री सम्मी शिखर जी की महावंदना का। 1 जनवरी 2024 अर्थात नव वर्ष के इस पावन अवसर पर सभी श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ श्री सम्मी शिखर जी की महावंदना कर अपनी मनोकामना पूर्ण की। तो वहीं भक्तों ने प्रभु की मंगल आरती कर विश्व कल्याण की भावना भाई। हमें संसार सागर से प्रभु जी पार कर देना। इस 11 दिवसीय आयोजन के अंतर्गत अगले दिन यानी 2 जनवरी को श्रद्धालुओं को परम पूज्य गणनीय आरिका श्री विभाश्री माता जी की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। गुरुवार के प्रवचन उपरांत संध्या बेला में भक्तों ने बस से पारसनाथ पहुंचकर मंदिर जी में प्रभु के दर्शन वंदन कर अपना जीवन धन्य किया। तत्पश्चात भक्तों ने वापस सीकर के लिए प्रस्थान किया। इस भव्य तीर्थ यात्रा में प्रभु के दर्शन वंदन एवं संत साध्वियों की चरण वंदना करने के उपरांत समापन दिवस यानी 3 जनवरी को श्रद्धालु सीकर पहुंचे, जहां सभी श्रद्धालुओं का सीकर जैन समाज द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। तो वहीं इस तीर्थ यात्रा में पुण्यार्जक परिवार स्वर्गीय श्री दीपचंद जी, श्रीमती शांति देवी रारा दुजोत, श्रीमती प्रेमलता, श्री अभय जी, श्री अजय, श्रीमती सरोज, श्री जितेंद्र जी, श्रीमती करिश्मा, श्री अमित जी, श्रीमती कुसुम, आशीष, अनुषा, आशिका, विशाल, वैशाली, तनिषा, भव्य, देशना, छाबड़ा परिवार, कोछोर निवासी, रांची प्रवासी, श्रीमती तीजा देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री नानग्राम जी, श्री इंद्रचंद्र जी, श्री माणक चंद जी, श्री अनुभव जी, श्री अभिनव जी सेठी परिवार सीकर, श्री जेके जैन जी, श्रीमती वीणा देवी, पुष्पदंत जिनेन्द्र, वृषभ जिनेन्द्र निवासी दिल्ली, सुपुत्री स्वर्गीय श्री बाबूलाल जीरारा दुजोद वाले सीकर, श्री केसरी जी, श्री पदमचंद जी, श्री अरुण कुमार जी पिराका परिवार सीकर, स्वर्गीय श्रीमती मोहनी देवी, श्री महावीर प्रसाद जी काला,
श्री प्रदीप जी, श्रीमती अलका, श्री अक्षत जी काला, लालासवाला परिवार, सीकर ने अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान किया। श्री राजकुमार, श्री सुरेश कुमार, श्री विवेक कुमार, श्री जितेंद्र कुमार, एलानी परिवार, सीकरी निवासी, डीमापुर प्रवासी, श्रीमान महावीर प्रसाद जी, श्री महेश कुमार जी, श्री मनीष कुमार जी, काला परिवार, लालासवाली, सीकर, श्री महावीर प्रसाद, श्रीमती शकुंतला देवी, श्रीमती स्नेहलता, श्री मनीष जी बांदीकुई, श्री अमित जी, श्रीमती आशा, श्री विकास जी, श्रीमती ज्योति, श्री अरविंद जी, श्रीमती अंकिता, श्री आशीष, श्री अक्षत, आदेश, समर्थ एवं समस्त बड़जात्या परिवार, किशनगढ़, अजमेर, महावीर पुस्तक भंडार, किशनगढ़ ने अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान किया। आपके आने से है प्रिय वर हृदय बहुत ही आनंदित है, आपकी गरिमा मई उपस्थित। सब लोग यहाँ सिद्ध क्षेत्र श्री समेत शिखर जी आए हैं और जय जिनेंद्र ग्रुप के द्वारा है। जय जिनेंद्र ग्रुप के द्वारा हमें यहाँ बहुत ही अच्छी सुविधाएं मिली। 317 जनों को ये लोग यहाँ लेके आए, किसी को भी किसी तरीके की समस्या नहीं है। सभी की यात्रा बहुत सुखद पूर्वक हुई। हम भावना पाते हैं कि जय जिनेंद्र ग्रुप इसी तरीके से यात्राएं करवाता रहे और हम लोग इस यात्रा का हिस्सा बनते रहे। शिखर समाज की तरफ से तिरला जैन शामिल समेत समाज की तरफ से यहाँ समेत शिखर की यात्रा के लिए निमंत्रित आए हैं। 8 दिन की यात्रा हमारी संपूर्ण सही तरीके से हुई है। सुंदर नवी यात्रा जय जिनेंद्र ग्रुप की 300 यात्रियों को लेकर ये नवी यात्रा बहुत ही सफल, सुखद और सभी के लिए धर्ममय रही। हम लोग एक यात्रा के लिए निकले थे, समय शिखर तीर्थराज की यात्रा के लिए। हम लोग ने सबसे पहले दर्शन किए राजगिरी जी के, फिर कुंडलपुर, पावापुर, चंपापुर, मंदारगिरी और श्री समेत शिखर जी के दर्शन किए। हम लोग 317 जन थे, 317 जनों ने सब ने बहुत अच्छे से यात्रा की। इस यात्रा के दौरान किसी को भी कोई भी पीड़ा नहीं हुई, कोई हारी बीमारी कुछ नहीं हुआ। हमारी यात्रा बहुत बहुत मंगलमय रही। इस अवसर पर यात्रा के मुख्य संयोजक श्री मोनू छाबड़ा जी ने जय जिनेंद्र ग्रुप द्वारा कराई गई सीकर से शाश्वत तीर्थराज श्री समय शिखर जी की यात्रा को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। श्रमणी गुरु माँ 105 विभाषी माता जी के आशीर्वाद से जय जिनेंद्र ग्रुप सीकर राजस्थान श्रेष्ठ भामाशाहों के सहयोग से लगातार 9 वर्ष तक ये तीर्थ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। इस वर्ष शाश्वत तीर्थराज श्री समय शिखर हेतु 317 श्रद्धालुओं ने इसमें सम्मिलित हुए। प्रस्तुत तीर्थ यात्रा में अगर किसी यात्री को कोई कष्ट हुआ हो उसके लिए हम उत्तम क्षमा मांगते हैं। साथ ही निवेदन करते हैं हमारी इन प्रस्तुत तीर्थ यात्राओं में सभी लोग सम्मिलित हो और धर्म का जय घोष करें। जय जिनेंद्र। दर्शकों, अभी आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य गणनी श्रमणी गुरुमा अर्करत्न श्री 105 विभाषिरी माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में 24 दिसंबर 2023 से 3 जनवरी 2024 तक हुई सीकर से शाश्वत तीर्थराज श्री समय शिखर जी महावंदना 2023-2024 के मनोहारी दृश्यों को निहारा। भूगर्भ से प्राप्त रहवासा वाले बाबा श्री 1008 सुमतिनाथ भगवान की अनुकंपा व सकल दिगंबर जैन समाज सीकर की पावन प्रेरणा से जय जिनेंद्र ग्रुप सीकर द्वारा 9वीं बार आयोजित इस यात्रा एवं महावंदना में लगभग 317 श्रद्धालुओं को सामूहिक धर्मलाभ अर्जित करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। दर्शकों, आपने देखा कि इस दौरान श्रद्धालुओं ने तीर्थ स्थलों के दर्शन वंदन तो किए ही, साथ ही पूज्य गुरुमा के सानिध्य में श्री शिखर जी में विराजमान संत साध्वियों की चरण वंदना करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती विमला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद्र छाबड़ा, पुत्र एवं दामाद आशा अमृत जी बड़जात्या किशनगढ़, पुत्र एवं पुत्र वधु मुकेश ईशा, धर्मचंद्र चित्रा, वीरेंद्र ज्योति, मोनू सारिका एवं समस्त छाबड़ा परिवार, रानोली वाले, सीकर, राजस्थान।